गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बालजानो वर्सेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल हैज लिमिट पॉइंट। मतलब कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर का, तो उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा, उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। ये बालजानो वर्सेस थ्योरम कहती है, बालजानो वर्सेस थ्योरम। तो इसका प्रूफ हम लिख रहे हैं, प्रूफ। उन्होंने गिवन है कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है अपने पास, लेट ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल, सेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मान लिया गया है। लेट ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, सबसेट होता ही है रियल नंबर का। अब बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, तो आपके पास कंप्लीटनेस एक्ज्यूम होती है। सो बाय कंप्लीटनेस एक्ज्यूम कंप्लीटनेस एक्ज्यूम हमें पता है, हमने पढ़ी थी कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसके सुप्रीमम और इनफीमम पक्का है, तो इसलिए ए के पास सुप्रीमम भी होंगे इनफीमम होंगे। सो लेट एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ सेट ए, सेट ए के सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड, गिवन इनफाइनाइट बाउंडेड इज बालजानो वर्सेस थ्योरम में गिवन, बालजानो वर्सेस थ्योरम में गिवन है कि कोई सेट है वो इनफाइनाइट बाउंडेड है। इसलिए कंप्लीटनेस एक्ज्यूम के द्वारा हमें पता है कि इसके इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। साथ साथ दो थ्योरम थी जो हमें पहले पढ़ी थी, तो यहां पर हमें पता लग गया इसका कैपिटल एम और स्मॉल एम सुप्रीमम और इनफीमम फॉर सेट ए, सेट ए के लिए सुप्रीम और इनफीमम एग्जिस्ट कर गए। अब हमें प्रूव करना है इसके पास लिमिट पॉइंट होगा। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम यही बताएंगे कि एम सुप्रीमम है, स्मॉल एम इनफीमम है। तो हमने क्या लिखना पड़ेगा? सुप्रीमम और इनफीमम की वजह से, सेट के सुप्रीमम और इनफीमम की वजह से एक्स लेस देन कैपिटल एम, एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एम। एक्स का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट इनके बीच में लाई करेंगे। कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, सेट के सारे एलिमेंट इन दोनों के बीच में होंगे। ये कंप्लीटनेस एक्ज्यूम हमें बताती है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ए कोई बाउंडेड है, इनफाइनाइट सेट है, तो ऐसा होगा पक्का। अब हम एक नया सेट डिफाइन करेंगे इस थ्योरम के अंदर कि टी इज ए सेट, टी के पास वो एक्स है सच दैट एक्स इज एक्सीड फाइनाइट मेंबर ऑफ, एक्स बड़ा नंबर है, फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े नंबर एक्स है, बड़े नंबर एक्स है, और जो एक्स है वो ए से ही है, जो एक्स है वो ए के एलिमेंट ही है, लेकिन कुछ नंबरों से बड़े हैं, कुछ नंबरों से बड़े। कुछ नंबरों का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए आपके पास एक सेट, मान लिया मैंने -1
माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फोर, ये ए सेट है, माइनस वन बाई एन, माइनस वन बाई एन, ये बेटा ए सेट है। इस सेट के इन दोनों एलिमेंटों से बड़े नंबर, कुछ एलिमेंटों से बड़े नंबर कौन से हैं? ये सारे एलिमेंट हैं जो इन दोनों से बड़े हैं। इन दोनों का मतलब ये फाइनाइट नंबर हो गया, माइनस वन गिनती के नंबर है, माइनस वन बाई टू ये गिनती के नंबर है बेटा, इनसे बड़े नंबर हो सकते हैं। इनसे बड़े नंबर बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं जो इन दोनों से बड़े, लेकिन ये दोनों फाइनाइट नंबर हैं। फाइनाइट गिनती में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनकी गिनती फाइनाइट है, दो है ये, टू, और इनसे बड़े एक्स, बड़े एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। माइनस वन से बड़ा माइनस वन बाई टू होता है, माइनस वन बाई टू से बड़ा माइनस वन बाई थ्री है, माइनस वन बाई थ्री से माइनस वन बाई फोर है, माइनस वन बाई फोर से माइनस, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपके पास रियल लाइन है, यहां पर आपके पास माइनस वन है, यहां पर आपके पास जीरो है, यहां पर आपके पास वन है, यहां पर आपके पास टू है, उस तरह बहुत ज्यादा है। तो माइनस वन से बड़ा नंबर कौन होगा? यहां पर माइनस वन से बड़ा नंबर और होगा, माइनस वन से बड़ा नंबर और भी होगा, माइनस वन से बड़ा नंबर और भी होगा, माइनस वन से बड़े नंबर उस तरफ है, माइनस वन से बड़े नंबर उस तरफ है। और सेट ए के ही नंबर है, सेट ए के ही मेंबर है, लेकिन कुछ एलिमेंट से बड़े नंबर है, कुछ एलिमेंट से बड़े नंबर है। ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ये अपने पास पता है। तो हमें पता लगा कि टी एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर आएंगे जो कुछ नंबरों से बड़े, कुछ नंबर से बड़े। अब हमें पता लग गया, कि कोई भी एलिमेंट टी का होगा देन एक्स जो होगा, एक्स लेस देन होगा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ग्रेटर, एक्स जो है वो बड़ा होगा, ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है एक्स, और ये एक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन हम कह सकते हैं एक्स लेस देन भी हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइटो से छोटा भी होगा, जो भी टी के पास एलिमेंट होगा वो ए के बहुत सारे नंबरों से छोटा होगा, लेकिन ए के कुछ नंबरों से बड़ा होगा। टी के पास जो भी एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा, लेकिन टी के पास जो एलिमेंट है वो ए में से आए हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी के सारे एलिमेंट लेस देन होंगे कैपिटल एम से, टी के सारे एलिमेंट लेस देन होंगे कैपिटल एम से। टी इज बाउंडेड, टी इज ए बाउंडेड सेट, टी बाउंडेड सेट होगा, क्योंकि जो टी के एलिमेंट हैं वो हमने मान के चले हैं कि ए से आए हुए हैं, ए से ऐसे एलिमेंट आए हुए हैं जो कुछ ही नंबरों से बड़े हैं, गिनती के नंबरों से बड़े। ऐसा करने पर लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट थे हमें पता है टी के पास ही वही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, लेकिन वो सारे एलिमेंट किसी नंबर से छोटे हैं, क्योंकि ए बाउंडेड था, इसलिए वो सारे एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी, टी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एम से छोटे होंगे। इसका मतलब है टी इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट, टी बाउंडेड होगा और इनफाइनाइट होगा, टी इज ए बाउंडेड सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब है टी के पास सुप्रीम एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि टी बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, बाय कंप्लीटनेस एक्सियम टी
के पास हम कह सकते हैं P के एलिमेंट किसी नंबर से छोटे हैं, इसलिए T हैज ए सुप्रीमम बाय कंप्लीटनेस एक्सियम P जो सेट है T हैज सुप्रीमम, P के पास सुप्रीमम होगा। लेट U इज सुप्रीमम फॉर T। मान लेते हैं U एक नंबर है जो T का सुप्रीमम है। नाउ सुप्रीम की डेफिनेशन कि सारे x जो भी T के हैं सारे एलिमेंट वो कोई इक्वल हो सकता है U के, लेस देन होंगे U से, U से लेस देन होंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P, T से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो सभी U से लेस देन होंगे, U से लेस देन होंगे। और जो U होगा U सुप्रीमम है T के लिए, T के लिए U सुप्रीमम है। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीम की डेफिनेशन होती है बेटा हमें पता है, सुप्रीम की डेफिनेशन होती है जो U है सुप्रीमम है तो U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। U माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो उसके लिए अपर बाउंड भी नहीं होगा। U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड फॉर T, T सेट का U माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन 0 से बड़ा नहीं तो U सुप्रीमम है तो पक्का U माइनस एप्सिलॉन सुप्रीम नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। और कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे T के एलिमेंट होंगे जो इससे बड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं U माइनस एप्सिलॉन। वैसे तो लिस्ट अपर बाउंड से सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, लिस्ट अपर बाउंड से सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, लेकिन U माइनस एप्सिलॉन करने पर U माइनस एप्सिलॉन से बड़े नंबर आ जाएंगे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट सम एक्स वन बिलोंग्स टू पी सच दैट एक्स वन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा यू माइनस एप्सिलॉन से, लेकिन एक्स वन जो भी टी का एलिमेंट है वो यू से छोटा होगा क्योंकि यू इज सुप्रीमम, यू सुप्रीमम है। सुप्रीमम जो चीज होती है सेट के लिए वो बड़ी चीज होती है सभी एलिमेंटों से, लेकिन उसमें से कुछ घटा दे, ये डेफिनेशन है सुप्रीमम की कि उसमें से कोई एप्सिलॉन घटा दे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, वो घटा दे पर ऐसा पॉसिबल होता है। नाउ यू माइनस एप्सिलॉन इज एलिमेंट ऑफ टी, ये जो है हमें पता लग गया एक्स वन तो टी का एलिमेंट है, एक्स वन टी का एलिमेंट है, तो एक्स वन में क्या खास बात है, एक्स वन इज लेस देन क्योंकि एक्स वन टी का मेंबर है, एक्स वन बिलोंग्स टू टी, एक्स वन लेस देन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जो सेट था उसके बहुत सारे एलिमेंट से एक्स वन छोटा है, एक्स वन छोटा है क्योंकि एक्स वन जो है वो टी का मेंबर है, और टी के मेंबर में यही खास बात है, टी के जो भी मेंबर हैं, टी के जो भी सदस्य हैं, टी के जो भी एलिमेंट हैं, वो हमने इस तरह डिफाइन कर रखे हैं कि वो इनफाइनाइट नंबर से छोटे हों और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हों। तो ये बड़ा है और उनसे छोटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है एक्स वन, और एक्स वन से छोटा क्या है, यू माइनस एप्स।
एक्सपेंस होता है यू माइनस एप्सिलॉन। यू माइनस एप्सिलॉन बहुत सारे एक एलिमेंट से छोटा है, बहुत सारे एक एलिमेंट से छोटा है। आल्सो ये भी पता है कि यू सुप्रीमम है, सुप्रीमम की वजह से यू प्लस एप्सिलॉन कर दें, यू प्लस एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड फॉर, एन अपर बाउंड फॉर सेट टी। ये सेट टी का अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड का मतलब है सेट टी के एलिमेंट से बड़ा नंबर होगा, सेट टी के एलिमेंट से बड़ा नंबर होगा। यू प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल एलिमेंट ऑफ टी, टी के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा ये, और ये सभी एलिमेंट जो है वो बड़े हैं एक एक मेंबर से, एक एक मेंबर से। यू प्लस एप्सिलॉन, यू प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ ए, ए के इनफाइनाइट मेंबर से यू प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा, क्योंकि यू प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड है, और जो अपर बाउंड होता है वो सभी मेंबर से बड़ा होता है, इनफाइनाइट मेंबर से बड़ा होता है। यू प्लस एप्सिलॉन एक अपर बाउंड है, यू सुप्रीमम है, यू भी एक अपर बाउंड है, लेकिन यू प्लस एप्सिलॉन उससे बड़ा है, यू माइनस एप्सिलॉन छोटा है। तो इसका मतलब हुआ यू प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइट मेंबर से बड़ा है और यू यू माइनस एप्सिलॉन छोटा है इनफाइनाइट मेंबर से। तो इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट मेंबर, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है, ए के इनफाइनाइट मेंबर, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट मेंबर ऑफ ए, ए के इनफाइनाइट मेंबर से लेस देन है यू माइनस एप्सिलॉन, और इसके इनफाइनाइट मेंबर से ग्रेटर देन है यू प्लस एप्सिलॉन, यू प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ इट मींस, इट मींस इसका मतलब है यू माइनस एप्सिलॉन, यू प्लस एप्सिलॉन आपके पास एक ऐसा ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट फाई होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ इनफाइनाइट होगा, नॉट इक्वल टू फाई होगा, नॉट इक्वल टू फाई होगा। और ये किसका नेम रूल है, यू, यू का नेम रूल है, यू माइनस एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड ऑफ यू, ये यू नंबर का नेबरहुड है, यू नंबर का नेबरहुड हमारे पास आ गया, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ इनफाइनाइट है। हम कह सकते हैं यू माइनस एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए के साथ इनफाइनाइट नंबर है, ए के इनफाइनाइट मेंबर इनके बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ए के इनफाइनाइट मेंबर लाई कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन उसमें से यू हटा भी दें तो भी बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इन दोनों में बहुत सारे एलिमेंट सेम है, कॉमन है, इसलिए यू इज लिमिट पॉइंट फॉर सेट ए, ए सेट के लिए। सो वी कैन से यू इज लिमिट पॉइंट, यू इज लिमिट पॉइंट फॉर सेट ए, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, सेट ए के लिए यू लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही यही थ्योरम कहती है, बालजामा सेट थ्योरम यही बात बताती है कि ए कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा, उसका लिमिट पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल भी आपको बता सकते हैं, जो मैंने बीच में एक एग्जांपल का जिक्र किया था कि मान लो आपके पास ए एक सेट है, अभी जो थ्योरम की है उस पर एग्जांपल हम
बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, लेकिन हम ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि माइनस वन, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फाइव, ये बहुत सारे एलिमेंट है माइनस वन बाई एन। ये आपके पास एक सेट है बेटा, ये इनफाइनाइट है, बाउंडेड भी। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर माइनस वन, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, बहुत सारे एलिमेंट आते रहेंगे आते रहेंगे, माइनस वन बाई वन थाउजेंड, माइनस वन बाई वन लैख, माइनस वन बाई वन करोड़, धीरे धीरे चलते चलते एक टाइम ऐसा होगा माइनस वन बाई इन्फिनिटी, जो कि जीरो हो जाएगी, जो कि जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है ये सेट बाउंडेड है, दिस सेट इज बाउंडेड सेट, बाउंडेड, ये सेट बाउंडेड है बेटा। और इसकी अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड्स, इसके अपर बाउंड्स हैं जीरो। जीरो ऐसा एलिमेंट है जो इन सबसे बड़ा है, माइनस वन से बड़ा जीरो है, इससे ही बड़ा जीरो है, जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, ये सारे इसके अपर बाउंड्स हैं। दीज आर अपर बाउंड फॉर दिस सेट, इस सेट के लिए अपर बाउंड्स हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये जो सेट है इनफाइनाइट है, ये जो सेट है ये बाउंडेड भी है। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो बालजानो शर्त थ्योरम कहती है इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है इसके पास लिमिट पॉइंट कैसे होगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा लिमिट पॉइंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टी सेट बनाया। टी सेट में वो एलिमेंट लिख दिए जो इसके कुछ एलिमेंटों से बड़े हैं। तो टी सेट के बहुत बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे टी सेट में। टी सेट में ऐसे x, x ग्रेटर देन फाइनाइट मेंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, a के फाइनाइट नंबर से बड़े एलिमेंट है, जैसे ये दो गिनती के हैं, इन दोनों की गिनती से बड़े नंबर लिख लिए, तो t के पास इनसे बड़े नंबर कौन कौन है, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फोर है, माइनस वन बाई फाइव है, बहुत सारे एलिमेंट आ गए जो इन सबसे बड़े। लेकिन ये जो आए ये बहुत सारे एलिमेंट है छोटे भी, तो t एक एग्जिस्ट करवा लिया हमने सेट, ये टी सेट हो। अब इस टी के लिए ये टी इज आल्सो बाउंडेड, टी के पास ये बाउंडेड, टी इज बाउंडेड सेट, टी बाउंडेड, टी का सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कंप्लीटनेस एक्सियम कहती है कि टी का सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम। तो इसके लिए जो सुप्रीमम है इसके अपर बाउंड बहुत ज्यादा है, मेरी के लिए तो इसका सुप्रीमम जीरो है, वैसे तो इसका अपर बाउंड वन भी है, अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो जीरो है, जो सबसे छोटा अपर बाउंड है बेटा वो जीरो है। तो इस सेट के लिए सुप्रीमम जीरो है, सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया जीरो है। अब सुप्रीमम पता लग गया हमें, सुप्रीमम की खास बात होती है बेटा, सुप्रीमम की खास बात है कि जो सुप्रीमम है उसके डेफिनेशन है कि उसमें से कुछ घटा दें एप्सिलॉन, ये जो नंबर होगा, मान लो कि एप्सिलॉन है जीरो से बड़ा, एप्सिलॉन है 0.2, एप्सिलॉन 0.2, तो इसका मतलब होगा कि जीरो में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.2 नेगेटिव आ जाएगा। ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर इस सेट में सो जाएगा, 0.-0.2, -0.2 का मतलब, -0.2 का मतलब है ये
-0.2 ये। अब इस -0.2 नंबर से बहुत सारे नंबर बढ़े हैं, इस -0.2 से बहुत सारे नंबर -1/6, -1/7, -1/100, -1/1000, -1/lakh, -1/crore। तो इससे ग्रेटर देन जो 0 - εp है, 0 का मतलब थ्योरम में u है, 0 का मतलब थ्योरम में u है, u माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कौन, कोई भी मान के देख लो आप, दूसरा एप्सिलॉन लेके देख सकते हैं, कोई तीसरा एप्सिलॉन ले सकते हैं, इनफाइनाइट एप्सिलॉन ले लो, लेकिन ऐसा ही होगा 0.2 लिया हमने एप्सिलॉन, इस 0.2 से बड़े नंबर बहुत सारे, -1/6, -1/7, -1/8, बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए, ए सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट इससे बड़े हो जाएंगे, ए सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट इससे बड़े हो जाएंगे -0.2 से, क्योंकि 0 इस सेट का सुप्रीम है, और 0 में से कुछ घटाते ही इससे बड़े नंबर बहुत सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब दूसरी बात, 0 + εp 0.2 से छोटे नंबर है सारे, जितने भी ए के सदस्य हैं, 0.2 जो नंबर है वो u + εp, और इससे छोटे नंबर ये सारे, 0.2 से छोटा -1 भी है, -1/2 है, -1/3 भी है, -1/4 भी है, -1/5 है, ये सारे के सारे नंबर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल का मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट इससे छोटे, इसका मतलब है इनफाइनाइट एलिमेंट 0.2 से छोटे हैं और -0.2 से बड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ, हमें एग्जाम्पल पता लगा कि -0.2 से बड़े नंबर इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए, के इनफाइनाइट एलिमेंट 0.2 से बड़े हैं और छोटे हैं 0.2 से इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट छोटे हैं 0.2 से, बड़े -0.2 से। इसका मतलब आपके पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया, जो कि किसका नेबरहुड है, जो कि 0 का नेबरहुड है, जो कि 0 का नेबरहुड है, और इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करें तो बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, -0.2 से बड़ा, -1/6 है जो इसमें है, बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके, बहुत सारे एलिमेंट यहां पर लाइक है, और 0.2 से छोटे हैं, फिर 0.2 तो बाहर है, 0 से बाहर, 0.2 से छोटे हैं ये, और 0.2 से बड़े, -0.2 से बड़े। इसका मतलब हुआ कि इसका इंटरसेक्शन ए के साथ बहुत सारे इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, बहुत सारे एलिमेंट इन दोनों में मिल जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट इन दोनों में मिल जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए माना था उसका 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, जो सेट ए माना था उसका लिमिट पॉइंट ए हो जाएगा, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, सेट ए जो था उसका लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा। इस केस में जो थ्योरम है उसका एग्जांपल है बेटा ये, इसके बारे में आप दिमाग में सोच सकते हैं, आपको समझ में आएगा बेटा ये, इसके बाद एक थ्योरम और बताते हैं, इसके बाद एक थ्योरम है,
ए सेट इज क्लोज्ड इफ ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट सेट ए इज क्लोज्ड इफ ओनली इफ ए ड्राइड कंटेनिंग ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन ए। ए के अंदर ए के सारे लिमिट पॉइंट हो, ए के सारे लिमिट पॉइंट ए के पास हो, देन ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड। ये आपके पास थ्योरम, दिस थ्योरम। सेट ए इज क्लोज्ड इफ ओनली इफ दिस। तो आसान सी बात है, मान लो कि ए क्लोज्ड है और वो प्रूव कर दो। इसका उल्टा सेम हो सकता है, उल्टा चलेंगे। प्रूफ, लेट ए इज ए क्लोज सेट। मान लिया ए एक क्लोज सेट, और वो तो सबको ही पता है कि कोई सेट है तो वो आर का सबसेट होता है। कोई भी सेट ले तो आर का सबसेट ही लेते हैं, वो जनरली सबको पता है इस चीज का। तो लेट ए इज ए क्लोज सेट, मान लेते हैं ए कोई क्लोज सेट। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आर माइनस ए बी ले सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा है आर माइनस ए बी कह सकते हैं, आर माइनस ए, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। आर में से ए के एलिमेंट हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए। दिस इज ओपन सेट, ये ओपन सेट होगा आर माइनस ए। और ओपन सेट की डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड होगा अपने सभी पॉइंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होगा। मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से, ए कॉम्प्लीमेंट से एक्स बिलोंग करेगा, देन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ए कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो इस तरह ये इसमें कंटेन करेगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट में इसके सारे एलिमेंट मिलेंगे। मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन सारे एलिमेंट हमें ए के कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। जो भी x बिलोंग करता है इस, ये नेबरहुड होगा x का। नेबरहुड डेफिनेशन ये होती है बेटा, नेबरहुड की डेफिनेशन, नेबरहुड डेफिनेशन ये होती है। अब x इससे बिलोंग कर रहा है तो ये सारा इसमें होगा। इसका मतलब हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए के साथ फाइव होगा, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन फाइव क्यों होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट हैं। मान लिया जाए आपके पास ये आर है, इस आर में ये तो है ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट। अब जो एलिमेंट यहां पर मिल गए
इसके सारे एलिमेंट वहां पर मिल गए, वहां पर इसके सारे एलिमेंट वहां पर मिल गए। अब इसके सारे एलिमेंट यहां पर थोड़े मिलेंगे, ये तो वहां पर है। ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन होते हैं? जो ए के पास नहीं होते, जो एलिमेंट ए के पास नहीं है उसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में है, इसलिए ये एलिमेंट ए के पास नहीं है, ये एलिमेंट ए के पास नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइव हो गया। ए के साथ फाइव, एक्स को इससे बिलोंग कर रहे हैं। जब किसी ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ए के साथ फाइव हो जाए, इसका मतलब होता है एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एक्स लिमिट पॉइंट नहीं होगा, सेट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक्स, जो भी एलिमेंट है वो कहां से आया है? आर माइनस टू से। इफ एक्स, कोई भी एक्स बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आर माइनस ए से, कोई भी एक्स यहां से आ रहा है तो वही एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, वही एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एक्स लिमिट पॉइंट नहीं बनता यदि वो एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में से आया है। इसका मतलब हुआ बेटा, दिस मीन्स, इट मीन्स, कोई भी कॉम्प्लीमेंट से नंबर लेते हैं वो तो लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ए के पास ही ए के लिमिट पॉइंट है। सो ऑल लिमिट पॉइंट्स लाई इन ए, सो ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए। ए के अंदर ही सारे हैं। क्यों? क्योंकि ए के बाहर से कोई पॉइंट लेते हैं वो तो उसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो ए के लिमिट पॉइंट कहां पर है? ए के पास ही। इसका मतलब ए में से लेते तो वो ए के लिमिट पॉइंट बन जाते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट से कोई पॉइंट लेते हैं वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। मतलब ए यहां से आर माइनस ए का मतलब है जो ए के एलिमेंट नहीं है वो ए के लिमिट पॉइंट भी नहीं है। इस केस में जो ए के एलिमेंट नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट नहीं है, वो ए के लिमिट पॉइंट भी नहीं बनते। इसका मतलब है ए के लिमिट पॉइंट ए के पास ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए क्लोज्ड है, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए क्या है? क्लोज्ड। सो वी कैन से, हमने माना था ए क्लोज्ड है, इफ ए इज क्लोज्ड देन ऑल लिमिट पॉइंट कंटेन इन ए, ए में ही कंटेन करेंगे। मतलब ए के लिमिट पॉइंट होते हैं ए ड्राइड के पास, ए ड्राइड कंटेन करेगा ए के पास इफ ए इज क्लोज्ड। ए क्लोज्ड है ऐसा होगा, ए क्लोज नहीं है ऐसा नहीं होगा। तो ये एक खबर थी दूसरी बच्चों। थैंक यू बच्चों।